उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले सिविल लाइन क्षेत्र स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास के समीप वटवृक्ष के नीचे धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सैकड़ों शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया, जहां उन्होंने हाल ही में लागू किए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेरणा ऐप का विरोध करते हुए उसे बंद कराने की मांग की। शिक्षकों का आरोप है कि विद्यालय में पहले से ही बायोमेट्रिक मशीनें लगी हुई हैं, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आकर अपना अंगूठा लगाकर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए प्रेरणा ऐप की कोई जरूरत नहीं है, जिसे तुरंत बंद किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रेरणा ऐप चालू किया गया है, या तो वो सभी पर लागू होना चाहिए या फिर पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा ऐप से सिर्फ शिक्षकों को एक तरह से पाबंद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे शिक्षकों के ऊपर मानसिक तनाव बना रहने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाँ, मैं डॉक्टर मनवीर सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मथुरा। आज शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ दोनों ही एकत्रित हैं और सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों को लेकर के यहाँ एकत्रित हैं। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन छीन ली गई और अपनी अभिव्यक्ति का जो हमारा अधिकार है, आंदोलन का अधिकार है, धरने का अधिकार है, उसे भी छीन लिया। ठीक है, इसके साथ साथ प्रेरणा ऐप जैसी एक बिल्कुल नाजायज, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको लागू कर दिया है प्राथमिक शिक्षा में। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा में भी एक शिक्षा सेवा अधिनियम का विधेयक पारित करा लिया गया है और उस अधिकरण में धारा 21 हटा रहे हैं, जिसमें सारे शिक्षकों को प्रबंधक बिना चयन आयोग की पूर्व अनुमति के ही बर्खास्त कर देंगे। इसके साथ साथ हाईकोर्ट जाने की भी हमारी जो सुविधा थी उसके को भी छीन लिया है। पहले हमें अधिकरण जाना पड़ेगा 4-5 महीने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की फीस कोई एक शिक्षक सामान्य रूप से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्हीं सरकार शिक्षक विरोधी नीतियों को लेकर के हम लोग सरकार के विरुद्ध ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे DM के माध्यम से। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देता हूँ। मैं मनोज रावत, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से हूँ। प्रेरणा ऐप एक इस तरह की ऐप हमारे ऊपर लागू करी जा रही है प्राथमिक शिक्षकों पर अभी, तो कि उसमें कहा जा रहा है कि आप विद्यालय आओगे तो अपनी सेल्फी खींचोगे बच्चों के साथ, और इंटरवल में जब बच्चे खाना खाएंगे तब उनके साथ सेल्फी खींचोगे और अपलोड करोगे, उसके बाद जब हम छुट्टी करेंगे तो भी बच्चों की सेल्फी खींच के बच्चों के साथ स्टाफ की उसमें अपलोड की जाएगी। हमारे जो विद्यालय हैं ग्रामीण अंचल में, बहुत दूर दराज में विद्यालय हैं, और ऐसे वर्ग के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं कि वो बड़े मजदूरों के उस टाइप के विद्यालय, तो आते ही वो 9-10 बजे तक हैं। कितनी हम कोशिश करते हैं, घर पे जाते हैं, बड़े बड़े धीरे धीरे से आते हैं, तो सुबह की सेल्फी डालने का तो कोई औचित्य नहीं है, इंटरवल तक वो इकट्ठे हो पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि अवस्थापना जो सुविधाएँ हैं हमारे लिए, विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, बड़े बहुत बुरे खस्ता हालत में बच्चे पढ़ते नीचे बैठ के, बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, और सबसे बड़ी बात है पानी नहीं है पीने का। जब आप उन चीज़ों को बहाल नहीं करवा सकते, दूसरी बात यह है कि शिक्षकों के तमाम तरह के जो देयक हैं वो लंबित पड़े हैं, अभी तक उनका कोई पेमेंट नहीं हुआ। पुरानी पेंशन की हम पिछले यानी कितने समय से मांग कर रहे हैं, पेंशन तक नहीं दी जा रही। एरियर वगैरह जो हमारे अटक जाते हैं मेडिकल वगैरह के, उन पे बिना पैसा लिए दिए हमारे वो पास नहीं होते। किसी भी अन्य विभाग पर ये प्रेरणा ऐप लागू नहीं किया जा रहा, वहाँ पर क्या काम नहीं होता? क्या जनता को उनके काम की जरूरत नहीं है? सारे विभागों में आप देख लीजिए, 11 बजे से पहले कोई भी अपनी सीट पर नहीं आता। हमारी मांग ये है हमारी सुविधाओं को बहाल कराया जाए, और ये जो सारे विभाग हैं 4th क्लास से लेकर और शासन के बड़े IAS तक, उन सब के लिए प्रेरणा ऐप लागू करो। उनके भी हमें आवश्यकता है कि आप भी समय से काम करो, जनता को पूरा काम मिलना चाहिए उनका। हम पढ़ाने के लिए, हम सारा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं विद्यालयों में। हमारे से जो गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं, जूता बंटवाना, ड्रेस बंटवाना, सारी तरह की जो बैठकें होती हैं उनसे, वोटरलेस BLO की ड्यूटी, जनगणना, तमाम तरह की गणनाएं, उन सबको हटाते हुए केवल और केवल शिक्षण का कार्य कराया जाए, हम तैयार हैं। प्रेरणा ऐप हमारे ऊपर लागू करी जाए। हमें सरकार से टैबलेट और वो भी नहीं चाहिए, उसके बाद हम अपने मोबाइल में करेंगे, लेकिन तब तक किसी भी कीमत पर ये ऐप हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है।
जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।